तो यार ऐसी बात है कि अभी बज रहे हैं 7, मतलब 8 बजे वो चीज बंद हो जाएगी जहां से मुझे वो मिलने वाला है। तो अपने को जाना पड़ेगा क्या लेने के लिए? सिल्वर प्ले बटन लेने के लिए। अपना नया सिल्वर प्ले बटन आ रहा है, कौन सा चैनल का है क्या है वो तुमको वापस आके बताऊंगा। पहले जाता हूँ उसको लेकर आता हूँ। वो घर पे डिलीवर कर रहे थे, मैंने कहा नहीं व्लॉग बनाएंगे अपन जाते वक्त का, तो चलते हैं। तुम लोग सोच रहे होंगे मेरे को मिल चुका है ये कौन सा है, तो उसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा तुमको लास्ट में, वीडियो देखना लास्ट तक। और चलो इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। यार मतलब मैंने इंट्रो तो बोला ही नहीं, लेट्स गो। बस यार एक टेंशन साला वो बंद ना हो जाए। 8 बजे वो बंद हो जाता है और अभी बज रही है 7:16 हो चुके हैं अभी, तो फटाफट चलते हैं। बादल गरज रहे हैं और छींटे भी आ रहे हैं। A few moments later. कैसे ले तो यार अपन ने, लेकिन आ रही है तो बहुत जोर की बारिश। देखो बारिश आ रही है मस्त वाली, मैं भी पूरा भीग के आते वक्त यार। मैं लेकर आ चुका हूँ अपने प्ले बटन को, एज यू कैन सी। खोलते हैं इसको और इसकी स्टोरी भी बताता हूँ तुमको। तो थैंक गॉड मैं टाइम पे पहुँच गया और वो बंद नहीं हुआ, नहीं तो यूपीएस वालों का फोन आया था, वो कह रहे थे कि अगर आज आपने कलेक्ट नहीं किया तो इसको वापस भेजना पड़ जाएगा। तो बहुत सही आती है मिस्टर रिक की चिट्ठी, सुजन जी की एंड देयर इट इज। ओ भाई वापस देख के इतनी खुशी हो रही है। नाइस नाइस। सो एज यू कैन सी गाइस, अगर आपको दिख रहा है इस पर क्या नाम लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा बाद में दिखाऊंगा। तो हियर इट इज। तो बात है स्टोरी की, तो बात ऐसी कि जो पहला प्ले बटन था, पहला क्या मतलब जो एक ही प्ले बटन है अपने पास, वो जो था वो कुछ मैंने पहला आया था अपन अनबॉक्स किया था, उसको आप वीडियो दिखा होगा। वो एक्चुअली क्या ना डैमेज हो गया था, डैमेज इन द सेंस कि उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होता ना कि पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर पार्थ शर्मा, तो मैं एक दिन उसको साफ कर रहा था, तो साफ करते करते वो जो लिखा हुआ था ना वो मिट गया था, और बहुत हल्का होता था मैंने साफ किया था, लेकिन फिर भी यार वो पता नहीं कैसे, या तो वीक प्रिंटिंग होगी या फिर पता नहीं क्या था, लेकिन वो इरेज हो गया था। तो ये देख के मेरा दिमाग खराब, पार्थ शर्मा का खाली TH बचा है और शर्मा का SH बचा है और M बचा है, बाकी सारे लेटर्स तो नीचे गिर गए। तो फिर मैंने YouTube से बात करी, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप इसको वापस भेज दो, हम आपको रिप्लेस करके दे देंगे एक नया वाला। ऐसे करते करते बहुत टाइम चला गया इसके अंदर, और इतने दिन तक मेरे पास प्ले बटन था ही नहीं, मतलब जिस दिन आया उसके अराउंड एक हफ्ते के अंदर ही ये सीन हो गया था, तो मैंने वापस रिटर्न करा। अगर आप भी क्रिएटर हो, आपको प्ले बटन मिलने वाला है या फिर आपके किसी मिलने वाले को मिला हो और उनके साथ भी अगर ऐसा हो जाता है, तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हो। देखो तुमको ज्ञान भी दे दिया मैंने। तो ये थी मेरी पूरी स्टोरी, लेकिन अब इंतजार है एक और प्ले बटन के इस वाले चैनल के लिए यार। तो फटाफट सब्सक्राइब करो ताकि अपन एक और प्ले बटन अनबॉक्सिंग करें, ठीक है ना। अभी बज रही रात की 10 और खाने में बना हुआ है चावल, लेकिन मेरे को खाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने मंगा लिया है रोल और वो आ भी चुका है, तो उसको लेके आता हूँ। बिल्कुल। कितनी स्टार चाहिए आपको? 5 स्टार चाहिए। तो अपना रोल आ चुका है, इसको खाएंगे मस्त। तो अपना रोल आ चुका है, इसको खाएंगे मस्त। एक चीज बताऊं तुम लोगों को, ये जो जोमेटो वाले होते हैं ना, ये अपने को कहते हैं डिलीवरी करने के बाद कि भाई रेटिंग करना, लेकिन अपन करते नहीं, यू नो मैं भी नहीं करता था पहले, अब करने लगा हूं, लेकिन अब मेरे को लगता है कि यार उनको करना चाहिए, बेचारा इतनी मेहनत करते हैं ना, अपना काम करते हैं शिद्दत से, तो उनको रेटिंग करनी चाहिए। आप लोग भी करा करो, ठीक है, भले खाना कैसा भी उसकी रेटिंग आप जो अच्छा करो, लेकिन इनको रेटिंग करा करो 5 स्टार। बहुत ज्ञान दे दिया, चुपचाप खा लेता हूँ। मिडिल क्लास थिंग्स, जस्ट मिडिल क्लास थिंग्स। वाह क्या पैकिंग करके भेजी इन्होंने, भाई साहब ये तो बहुत ही बड़ा है यार। एक चीज दिखाऊं मैं तुम्हें, अपना जो प्ले बटन है ना वो अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, टन टन। तो एज यू कैन सी मैंने इसे कुछ इस तरीके का रूप दे दिया है, इसीलिए दिया है ताकि इसको कुछ डैमेज ना हो, और यू नो व्हाट आई मीन। अब इसे कोई डैमेज होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि देखो जो कांच है ना ये एक्चुअल प्ले बटन की बॉडी से अराउंड 1/2 इंच दूरी पर है, और इसकी डबल फ्रेमिंग करवाई है मैंने, एक फ्रेम यहाँ पर है और एक फ्रेम अंदर की साइड है, क्योंकि अब मैरिज नहीं ले सकता, पता पड़ा इसका भी कुछ मिट गया वेडिया, फिर मैं यूट्यूब वाले को बोलूंगा भैया मेरा प्ले बटन चेंज करो, तो बोलेंगे भैया क्या कर रहे हो आप यार, तो यूट्यूब वाले बोलेंगे भाई क्या कर रहा तू, क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या। और मैंने सर्टिफिकेट को भी फ्रेम लगा दिया, बिल्कुल सेक्सी लग रहा है, इसके ऊपर एक चीज है मेरा नाम लिखा हुआ है, वो क्या है मैं तुमको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर दिखाऊंगा, तब तक। एक चीज और मैंने सेटअप बना लिया अपना, बिल्कुल सेक्सी कतई जहर लग रहा है बिल्कुल रूम मेरा, पहले ऐसा नहीं था, पहले यहाँ बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, मैंने सब हटा दी और यहाँ पे बिल्कुल काम की चीज रखी है, बेड वेड अब तो एसी वेसी भी लग गया, बिल्कुल एकदम मस्त सेक्सी सा हो गया। तो मैं बहुत जल्दी सेटअप टूर का वीडियो बनाऊंगा, पहले मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि बहुत काम करना था सेटअप के अंदर, अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका सब कुछ, और रात को तो क्या ही सेक्सी लगता, सारी लाइटें बंद कर दूंगा उसके बाद एक दो चीज जलती है, क्या ही नजारा क्या ही वाइब आती है, मजा आ रहा है तुमको देख के, से बता रहा हूँ मैं। और अब तो एसी वेसी भी लगवा लिया है, तो सेटअप टूर का वीडियो आने वाला है, कमेंट करना कितना जल्दी चाहिए, फटाफट कमेंट कर दो,
सेटअप टूर का वीडियो चाहिए भी सही नहीं चाहिए, ठीक है कमेंट।